तो यहाँ पर बन गए हैं, आलू उबल गए हैं और यहाँ पर हमारा हलवा जल रहा है, तैयार हो रहा है। मतलब अभी आलू बनाने मेरे पास आलू बनाने में महेश्वर दूर रहेंगे, प्रमोद अपना मुंह बंद रखेगा, रितु भी मुंह बंद रखेगी। मैं बनाऊंगा आलू, देखो मैंने अच्छे बनाए थे, मैंने आलू अच्छे बनाए थे ना परसों बन जाएंगे। देखो पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज महेश्वर का व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि महेश्वर आज बहुत बिजी है। महेश्वर ने आज ज्यादा आलू खाते हैं तो आज वो आलू आलू हो गए हैं, इसकी वजह से आज मुझे व्लॉग बनाने के लिए बोला है। तो एक खूबसूरत सा दृश्य है अल्मोड़ा का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशल और ऐसी जगह जहाँ के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। हमें खुद भी यहाँ अल्मोड़ा में रहते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी हम पहली बार वहाँ जा रहे हैं और रास्ता हमें भी अच्छे से नहीं पता वहाँ का। उस जगह का नाम है कल्पवृक्ष मंदिर अल्मोड़ा। तो उस जगह हम जा रहे हैं हमारे प्रमोद भाई के बर्थडे के उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले तो प्रमोद सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये प्रमोद भाई के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही हमारा यूनिक तरीका है, क्योंकि उस मंदिर के कुछ खास रिवाज हैं, जैसे कि वहाँ जो भी जाता है मतलब इसे दर्शन करने के लिए वो ऐसे सेल्फी नहीं खींचता। तो ये मंदिर कुछ ऐसा है कि यहाँ की कुछ विशेष परंपराएं हैं, जैसे कि यहाँ जो बर्थडे मनाया था, केक खाया था, खूब नाचे थे जंगलों में। यार तो मैं कट कर दूंगा है। तो मतलब यहाँ क्या होता है कि जो भी यहाँ दर्शन करने जाता है तो कुछ न कुछ वहाँ भोज्य पदार्थ प्रसाद के रूप में पहने वहाँ जाके बना के मतलब उसका प्रसाद खा के होता है। आलू के चिप्स नहीं, आलू के मतलब कुछ भी खिचड़ी वगैरह आप बना सकते हो वहाँ, तो वो यहाँ जरूरी बनाना होता है। विनोद अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। सामने गोल देवता का मंदिर था ऊपर एक, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आगे दुनिया दिखी नहीं रही हमको। ये देखिए यहाँ पर पूरी दुनिया खत्म है, ऐसा कोहरा ऐसा घना लग रखा है। तो भूलते भटकते हम पहुंच चुके हैं दुला गांव। प्राकृतिक सौंदर्य और खेतीबाड़ी से भरपूर गांव है। तो हमने बनाया है प्लान आलू के गुटके बनाने का, तो उसके लिए बाकी सामान आलू वगैरह तो हम वहाँ से लेके आए थे, लेकिन धनिया लाई हमारे रितिका मैम, पता नहीं कैसे लाई है, कहाँ से लाई है ये जाना है। वहाँ पे से तोड़ लिया था, जिसमें मेरा साथ मनीष ने दिया और रजनी ने दिया। बड़े-बड़े से चोरी, अब इसको चोरी कहो क्या कहो, मतलब हाँ, मतलब ये दुला गाँव तक भी रोड आई हुई है यहीं पर ऊपर तक, और शायद एक कोसी की साइड से आई होगी कहीं, RTO की साइड से। तो वो तो वैसे अल्मोड़ा से तो दूरी पड़ जाता है, पैदल आने में भी ठीक है। बहुत ही अच्छा सुहावना रास्ता है। और हम अब उधर सामने उधर पहाड़ी के ऊपर कहीं वहाँ ऊपर है मंदिर, तो वो रास्ता जा रहा है सामने से। तो अब हम पहुँचने वाले हैं कल्पवृक्ष, शायद कहीं थोड़ा सा ऊपर अब चढ़ना है उस तरफ को। और ये बंदा बिल्कुल जैसे कहीं शादी में आ रहा हो ऐसे आया नाचते हुए। तो ये हम पहुँच चुके हैं कल्पवृक्ष मंदिर। तो ये है वो कल्पवृक्ष, नीचे भी मंदिर है और यहाँ पर मुख्य जो यहाँ का आकर्षण है कल्पवृक्ष। खूब सारी यहाँ पर धागे चुन्नी वगैरह बंधी हुई हैं। वैसे यहाँ पर लिखा भी है कि बांधना मना भी कर रखा है, फिर भी यहाँ पर खूब सारी बंधी हुई हैं वैसे। और ये जो धर्मशाला वगैरह है वो नीचे है उधर, वहीं मतलब जो प्रसाद वगैरह बनाने का सिस्टम सीधा पूरा नीचे। अभी बाबा जी यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग बाबा जी का भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये है कल्पवृक्ष का पेड़। इस एक पेड़ उधर भी हो रहा है इसी प्रजाति का, इसको कल्पवृक्ष कहा जाता है। आज हम लोग कल्पवृक्ष में आए हुए हैं और ये हमारे जस्ट पीछे दिख रहा होगा आपको कल्पवृक्ष, और हमारे साथ किरन मैम है। ये आपको कल्पवृक्ष मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, तो पुराणों में ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक रत्नों में से है, और समुद्र मंथन के वक्त इसे इंद्रदेव को दे दिया गया था। उन्होंने इसकी स्थापना जो है वो हिमालय पर्वत पे की थी। तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप कोई भी मनोकामना मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। और तो ये कल्पवृक्ष भारतीय मूल के वृक्षों में से नहीं है, मतलब कि ये वैसे यहाँ प्राकृतिक तौर पर नहीं उगता है, और इसे शायद यहाँ जहाँ से जितनी जगह भी ये भारत में मौजूद है तो कहीं न कहीं से इसको लाया गया है, इस तरह की मान्यता है और जैसे किरन मैम ने बताया कि यह समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष बताया जाता है और इसके बारे में यह बहुत प्रसिद्ध है कि यह सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है। साथ ही इस तरह के वृक्ष यूपी में भी 2-3 जगह हैं, मतलब भारतवर्ष में गिने चुने इस तरह के पेड़ हैं जिनके बारे में इतनी आस्था है या आस्था के लिए जो इतने प्रसिद्ध हैं। साथ ही पुराणों में इससे संबंधित अन्य तरह की कथाएं भी मिलती हैं और फिलहाल अभी हम लोगों ने करनी है अब कुछ यहाँ पर कि जो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो कुछ खुद से बना के कुछ प्रसाद ग्रहण करके जाना होता है। आप खाने के रूप में चाहे खिचड़ी बनाएं कुछ और इस तरह की चीज़ बनाएं तो सभी लोग जो ये भी यहाँ आते हैं वो इस तरह की बनाते हैं। नीचे लकड़ी वगैरह तो रखी हुई है और यहाँ पर किचन वगैरह भी है, उसके लिए आप चाहें तो अपना सामान वगैरह खाने पीने का ला सकते हैं। बर्तन शायद यहीं से मिल जाएंगे, बाबा जी आ जाएंगे तो अभी को कभी ना कभी यादें आएगी उनको, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो हम लोग कर रहे थे बाबा जी का इंतजार, लेकिन अभी हमें पता चला है कि मतलब ऊपर जो घर है वहाँ हमने पूछा तो पता चला कि बाबा जी को फ़ोन किया तो वो कहीं गए हुए हैं। हमने कुछ से वहाँ से घर से उनने बर्तन दे दिए तो उनसे बर्तन लेके आ गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा आलू वगैरह साथ लेके आए तो हम वो बनाने की तैयारी करते हैं फिलहाल। पहले तो यहाँ पर वैसे तो आज बारिश की वजह से लकड़ियाँ सारी गीली हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत सूखी हमको मिल गई थी लकड़ियाँ, फिर भी हमने मेहनत करी। और अब आग जल चुकी है, हमने आलू रख दिए हैं उबालने के लिए। तो यहाँ पर बन गए हैं आलू, उबल गए हैं और यहाँ पर हमारा हलवा जल रहा है, तैयार हो रहा है। मतलब ठंडा चीज डालो, अरे तुम डालो यार पानी, ठंडा पानी डालना है, अरे पानी डालो यार, पहले डालो पानी ही है सबके घर में बनता है, अरे चीनी पहले डालो बाद में साला चीनी गलेगी, वही तो डालो, अरे बस 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 ज्यादा हो गया कोई नहीं, अब उसको उसमें ज्यादा डालो, हेमंत पानी डाल, हेमंत पानी डाल, हेमंत पानी डाल, डाल दिए ये तो आराम अरे पानी वाह वो ये ब्राउन क्या अरे पहले ये तो मजीरा और ब्राउन होने दो, और तो ब्राउन उसको देखो अरे सौंफ काले हो गए तो सौंफ सबसे पहले डाले थे यार, मेरा कोई याद नहीं ये अरे पहले बताओ ये सौंफ था कि जीरा था, ये तो बताओ भी। हाँ हाँ सर लास्ट में मेरा नाम बोलना, अब एक भी काम मेरी मेरे पास आलू बनाने में महेश्वर दूर रहेंगे, प्रमोद अपना मुंह बंद रखेगा, रितु भी मुंह बंद रहेगी, मैं बनाऊंगा आलू, देखो तो मैंने अच्छे बनाए थे नहीं शेफ को बाहर मैंने आलू अच्छे बनाए थे ना परसों मनीना के ये रखूँ इसको मनीना को पकड़ाना मिलेगा तो। अब हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और आज के दिन का हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। दीक्षा बहुत ज्यादा मजा आया हमको, बहुत मस्त है, बहुत मस्त। हाँ तो किरण बताइए कैसा लगा? बहुत मजा आया और आप देख सकते हैं हमने जो खाया उसका एक छोटा सा नमूना ही दिया। हाँ। तो खाना उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट था। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये इधर दे दे। तो मुझे पूछा कैसा लगा मनीष भाई? बहुत बढ़िया। रजनी हर्षवर्धन के विकास जोकों पे हंसना पड़ा, मतलब हमें हंसना पड़ा। तो आपको पता है हम लोग घर को जाने लगे हैं, बहुत निशास लग रहा है इस जगह का। हाय देखो पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज महेश्वर का व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि महेश्वर आज बहुत बिजी है। महेश्वर ने आज ज़्यादा आलू खाते हैं तो आज वो आलू आलू हो गए हैं, इसकी वजह से आज मुझे व्लॉग बनाने के लिए बोला है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, बता नहीं सकती हूँ कितना मजा आया करके। ओह माय गॉड मुझे पता ही नहीं था मैं रजनी होकर के। आज मनीष ने बता दिया। बोल पाती हैं वैसे नहीं बोलती हैं। हाँ ठीक है ओके। आज ज्यादा ही बोल रही है वैसे। आज मनीष सर और मैं ब्लॉग बना रहे हैं ठीक है। और जिनसे बर्थडे विश करना था वैसे अभी तक कर नहीं पाए। बर्थडे विश जरूरी करना है, खाने के लिए आए थे हम तो, घूमने के लिए आए थे। किसका बर्थडे है मुझे पता ही नहीं है। प्रमोद सर का बर्थडे था और ये देखो ओह देखो ये हैं रूपाली जी और दीक्षा मैम, बड़ी मेहनत से कढ़ाई को उठा के लाए दो लोग। इतनी भारी कढ़ाई है कि अब बताऊँ आपको, बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे दो लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे एक कढ़ाई को पहुँचाने के। तो ये थी हमारी रजनी व्लॉगर ने कैसा व्लॉग बनाया ये हमें नहीं पता। अगर उसने अच्छा नहीं बनाया होगा तो फिर मुझे अपनी क्लिप डालनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस अल्मोड़ा की तरफ को, और इस बार हम गोवा रोड की तरफ से जा रहे हैं। अल्मोड़ा में भी गोवा रोड है एक, तो ये है अल्मोड़ा की गोवा रोड, इसे गोवा रोड कहा जाता है। ये ऊपर कसारा की रोड से नीचे को जो रोड है उसे गोवा रोड कहते हैं। हाँ